जन जन की आवाज़ जीएन भारत पहुंच चुका है लालपुर स्थित अवनी हॉस्पिटल में। और एक बच्चा जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका रोना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपने भी कई बार सुना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे केस देखने को मिले हैं जहाँ नवजात शिशु जन्म लेते ही बहुत सीरियस रिस्क फैक्टर पे रहे हैं, जिनका इन डॉक्टर्स जो हमारे बगल में आप देख सकते हैं डॉक्टर्स, इन्होंने इलाज किया है। एक्चुअली बच्चों के साथ क्या समस्या आई और कैसे इनका निदान किया गया है ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर जी, क्या जब बच्चा जन्म लिया क्या प्रॉब्लम क्या पहले फेस हुआ? बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था और काफ़ी प्रोलॉन्ग लेबर था, तो जब बच्चा जन्म लिया तो बच्चा रोया ही नहीं और बच्चा अपने से खुद से सांस नहीं लिया। फिर वहाँ पर उनको रिसेसिटेशन किया गया तो बच्चा जो है कि वो सांस तो थोड़ा लेने लगा लेकिन वो एडिक्वेट नहीं था। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से दूसरे हायर सेंटर में रेफर किया गया जहाँ पर NICU की व्यवस्था हो, और बच्चा जो है वहाँ से जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में गया वहाँ उसे तुरंत इंटुबेट किया गया और मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा गया, जहाँ पर कि उसका इलाज चल रहा था लेकिन उसका कंडीशन लगातार डिटेरिएट होते जा रहे थे और उनके गार्जियन को पैसा काफ़ी खर्च हो रहा था जिसके लिए वो सक्षम नहीं थे। बच्चा नहीं रोया तो इतना कॉम्प्लिकेशन, आखिर ये रोना क्या फैक्टर है ये समझा? क्या होता है कि जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे ऑक्सीजन जो है माँ के ब्लड के थ्रू प्लासेंटा जो है वो लंग का काम करता है और वो उसे ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के समय में जब वो पहला क्राई करता है या पहला ब्रेथ लेता है तो लंग जो सिकुड़े हुए अवस्था में रहता है वो फैलता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि ब्रेन हमारा वाइटल ऑर्गेन है, वो अल्टीमेटली सारे ऑर्गेन का कंट्रोल करता है। अगर हमारा मास्टर ऑर्गेन ही डैमेज हो जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन को अगर थोड़ी ही देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है और अल्टीमेटली अगर वो ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो पूरे ऑर्गेन को अफेक्ट करेगा, तो इसीलिए बच्चे का रोना जो है बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा मेरा संदेह हो रहा है मुझे कि बच्चे का रोना ही इम्पोर्टेंट होता है या बड़े भी रोते हैं तो ऑक्सीजन पहुंचता है, सभी कुछ होता है यार। एक्चुअली जब भी कोई भी हम लोग कोई भी इमोशन ये करते, रोना या हंसना, दोनों कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होता है कि भाई आपका ऑक्सीजन ज़्यादा आ जा सकता है, आपका ऑक्सीजन कम जाएगा, लेकिन आप जब स्ट्रेस में जाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ कम हो जाता है। रोना भी अच्छा होता है? डेफिनेटली रोना जो है, अगर आपके इमोशनल कुछ आउटबर्स्ट है, अगर आप रोते हैं तो ज़रूर आप हल्के महसूस करते हैं और रोना उस समय फ़ायदेमंद होता है। ओके, तीन बच्चे का आई थिंक इलाज हुआ है या नहीं? इलाज तो मतलब ये ऐसे तीनों बच्चे थे जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे और कुछ ऐसे इसमें एक ऐसे बच्चे थे जिनको कि मल्टीपल कंजेनाइटल प्रॉब्लम था और उस कंजेनाइटल प्रॉब्लम के चलते इनका सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव कर गए हैं। अब उनका डेफिनेटिव जो इलाज है, जो प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साहब, आपके हॉस्पिटल का फी स्ट्रक्चर कैसा है? हर इंसान के तबके के लोग यहाँ पे आ सकते हैं? हमारे यहाँ जो है कि वो चूँकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के में फ़ी तो लगेगा ही जब आप बचेंगे, लेकिन ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है और साथ ही साथ यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज होता है, इसलिए वो कम्प्लीटली फ्री है इलाज है। इसके साथ ही अभी कोरोना का जो लहर चल रहा है तो ये जो नवजात शिशु जो पैदा ही लेते, क्या उनको भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है, अगर मदर फादर को या बच्चे को किसी तरह का एक्सपोजर होगा तो कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसका बचाव तो जरूरी है। आपने सुना कि ऐसे नवजात शिशु का इलाज अवनी हॉस्पिटल ने किया है, रोना कितना ज़रूरी होता है एक छोटे से नवजात बच्चों के लिए? ऐसे तो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि यार रो लिया तो सब ठीक है, लेकिन आपने डॉक्टर साहब से सुना कि रोना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बच्चा जो रोता है तब उसके फेफड़े, उसका ब्रेन, बॉडी का हर एक ऑर्गन वाइटल तरीके से बहुत इफिशियंट तरीके से काम करता है, बस एक रोना बंद हुआ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही पेरेंट्स मौजूद है जिनके बच्चे जो है वो रोए नहीं थे और बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना, आप देख सकते हैं ये मैम का आँख ही देखकर ऐसा लग रहा है रो के सूझ गया, क्या बात है मैम आपका, बहुत लग रहा है आप तकलीफ में? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो खुश है आपके बच्चे? बहुत खुश है। अच्छा, हॉस्पिटल और नर्सों का क्या योगदान रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि इसका कोई उम्मीद नहीं था लेकिन यहाँ लाने से अभी ठीक है। देखिए, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है उनका बच्चा जन्म के साथ ही अगर ऐसा, आपके क्या इमोशन थे, आपको ऐसा पता चला क्या मतलब? कुछ नहीं, जब भी पैदा हुआ तो मतलब सांस भी नहीं चल रहा था, आँख भी नहीं खोला था, तो बस थोड़ा थोड़ा धड़कन चल रहा था, उससे ले गए दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ ज़्यादा खर्चा होने लगा इसलिए यहाँ ले आए। चलिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात है, एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जन्म होती है, अगर उसका बच्चा सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं एक माँ के लिए बहुत बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इस हॉस्पिटल ने उसे बचाया, डॉक्टर के सहयोग से ये बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी बजाज राशिका के साथ, धन्यवाद।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।